बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। हर इंसान के लिए बचपन बहुत ही खास होता है। बचपन की यादें बहुत ही सुनहरी होती हैं, बट कई बार यही बचपन में हमारे बहुत से रिग्रेट छुपे होते हैं, बहुत हमें अफसोस रहता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि यार, अगर मुझे बचपन में किसी ने बहुत अच्छे से गाइड किया होता, किसी ने सलाह दी होती, तो आज मैं यहाँ नहीं, कहीं और होता। अगर मुझे बचपन में गाइडेंस अच्छे से मिल जाती, मुझे पता होता मैंने क्या करना है, तो आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे खड़ा होता। तो आज मैं आपको ऐसी ही चीज़ें बताऊँगी कि हम क्या बदलाव अपने बच्चों की ज़िंदगी में लेके आएँ कि उनको कल ये अफसोस ना रहे और वो अपनी लाइफ में अपने गोल्स के पास जल्दी पहुंच सके। बट उससे भी पहले आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छा सिंबल, बहुत ही पावरफुल सिंबल, जो बच्चे अपने घर में, अपने कमरों में लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, जिससे कि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, ध्यान लगाने की क्षमता और बढ़ जाएगी। बहुत से बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम होती है या ऐसी कमी होती है, या उनको लगता है कि वो बहुत देर तक एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते। पेरेंट्स की भी शिकायत रहती है इनमें टिकाव नहीं है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं है। ये सिंबल उनमें कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। और इससे पहले आपको बताऊँगी वो टेक्निक जिससे आप अपने बच्चों को उनकी लाइफ में उनके गोल्स के पास लेके जा सके। ये जो प्रैक्टिस है वो 7 साल से बच्चों से लेके वो 21 साल तक बच्चे कर सकते हैं, और रोज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों के साथ बैठना है। इनिशियली आप उनके साथ करिए, फिर वो खुद भी कर सकते हैं। उनके साथ बैठिए, उनको एक अलग कॉर्नर में लेके जाएं, अच्छा सा म्यूज़िक साथ में लगा दें, और स्टार्टिंग ब्रीदिंग से करनी है। 3 सेट ब्रीदिंग के करने हैं। पहले बिल्कुल डीप, फिर थोड़ी फास्ट, फिर और फास्ट। तो 10 आपको उनको स्लो डीप ब्रेथ करवानी है, फिर फास्ट करवानी है 10, और 10 बिल्कुल फास्ट करवानी है। जैसे वो रिलैक्स हो जाएं, उनको बोलो आंखें बंद करने के लिए। अब उनको बोलो आंखें बंद करके देखिए अपने सामने एक अननोन जर्नी। उनको बोलिए महसूस करिए, देखिए खुद को अपनी इमेजिनेशन में, आंखें बंद करके खुद को एक अननोन जर्नी पे चलते हुए देखिए, जिसका आगे आपको रास्ता नहीं पता। अब आगे चलते चलते एक बहुत बड़ा गोल्डन सुनहरे रंग का डोर देखिए, ये डोर बंद है। अब इस डोर को अपने सामने खुलते हुए देखिए, ये जो जगह है, ये डोर के खुलने के बाद ये लैंड है, ये है आपके सपनों की दुनिया, आपके गोल्स की दुनिया, आपके फ्यूचर की दुनिया। अब इसमें एक एक करके खुद को उन गोल्स को अचीव करते हुए देखिए। अगर आपका बच्चा लाइफ में बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता है, उसे बोलिए खुद को इंडियन टीम के लिए खेलते देखे। अगर वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसे बोलिए, सोचिए कि वो खुद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का मेकअप कर रहा है। अगर वो खुद का कोई काम करना चाहता है, उसे वो काम करते हुए देखिए। अगर वो म्यूज़िशियन बनना चाहता है, उसे बोलिए एक बड़ा म्यूज़िक कॉन्सर्ट करते हुए देखिए। अगर उसे नहीं पता उसके लाइफ में क्या करना है, तो फिर भी खुद को अपने गोल्स को अचीव करते हुए देखिए। आज नहीं पता, अगर रोज़ प्रैक्टिस करेगा अपने आप पता भी लग जाएगा। उसको बोलो, अपने बच्चों को बोलो रोज़ ये प्रैक्टिस करें। खुद को एक छोटी छोटी डिटेल में देखिए। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आपके बच्चे, उन्हें बोलो कि लोगों को दान करते हुए देखिए, लोगों की मदद करते हुए देखिए, खुद एक बड़ा सोर्स बनते हुए देखिए। अगर वो खुद पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो उन्हें बोलिए कि वो इंडिया को सही गाइड कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, बड़े पॉलिटिशियन बन चुके हैं। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको देखनी है। जितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो पैसा अपने बैंक में आते हुए देखिए। उस पैसे से जो गाड़ी लेना चाहते हैं, वो गाड़ी खुद को लेते हुए देखिए। जो भी आपका गोल है, आपका गोल मनी से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड नहीं भी हो सकता, दुनिया के लिए कुछ अच्छा चेंज लाने का हो सकता है, उस गोल की तरफ बैठिए, उसको सोचिए, और 5-10 मिनट बाद वापस आंखें खोल के आ जाइए। अगर आपका बच्चा ये रोज़ प्रैक्टिस, यानी कि अपने गोल्स के साथ रोज़ 5 मिनट बैठेगा,
उसको अपने आप डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। नहीं भी कुछ पता अभी, तो वैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, वो थॉट आने शुरू हो जाएगी। आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि आपको जब दिमाग खुलता है, कोई सोच आती है, वैसे रास्ते भी खुल जाते हैं, उनके भी खुलेंगे। बट खुद के साथ बैठना, गोल के साथ बैठना ज़रूरी है। अब बताऊंगी वो पावरफुल सिंबल जिससे आपके बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। क्या करना है उनको, इस तरह से एक पेज पे आपको एक सिंबल ड्रॉ करना है। पहले आपको ऊपर से नीचे लाइन लेके आनी है, फिर लेफ़्ट टू राइट लाइन लेके आनी है। फिर एक सर्कल बनाया आपने, दूसरा सर्कल बनाया आपने, फिर आपने तीसरा सर्कल इस तरह से बनाना है। ये सिंबल आप देख सकते हैं, इसको तिब्बतन ओम कहते हैं। इसका किसी भी रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस सिंबल को जहाँ वो बैठते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, उस टेबल के सामने लगाइए और उस सिंबल को उसे बोलिए कि रोज़ 2 मिनट, 1 मिनट या कुछ सेकंड्स भी देख सकता है, इसको एकटक होके देखे। कुछ सेकंड्स के लिए देखना है तब भी ठीक है, अगर कुछ देर और 1 मिनट तक देखेगा तब भी बहुत अच्छा है। तो कुछ देर इस सिंबल को देखिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू करें। आपको अपने बच्चे में उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर में धीरे धीरे फ़र्क लगेगा। कोई भी काम एक दिन से नहीं होता, कम से कम 6 महीने से करिए और उनमें वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये आप भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर उतनी अच्छी नहीं है। ज़रूर आजमाइए इन टिप्स को और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।